60 फीट गहरे कुएं में गिरा 5.5 फीट का कोबरा, सर्परक्षक विजय यादव ने रेस्क्यू कर सुरक्षित किया। सर्परक्षक विजय यादव ने नीचे उतरकर सुरक्षित किया रेस्क्यू। कोरोना के चलते लॉकडाउन में जिस प्रकार पुलिसकर्मी चिकित्सा कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार सर्परक्षक विजय यादव भी फ्रंट लाइन वर्कर बनकर कोरोना योद्धा के रूप में अजमेर में आपातकालीन सेवाएं दे रहे हैं, ताकि मानव भयमुक्त और सरीसर्प प्रजाति सुरक्षित रह सके। इसी मुहिम के चलते हाथीखेड़ा गांव स्थित नानकिया तालाब के पास रहने वाले शंकर सिंह रावत के खेत में बने कुएं की मुंडेर नहीं होने से उसमें एक कोबरा सांप गिर गया, जिसे बाहर निकालने के लिए शंकर सिंह ने सर्परक्षक विजय यादव को कॉल किया। सर्परक्षक यादव अपने साथी प्रीतम के साथ पहुंचे और देखा कि 60-70 फीट गहरे कुएं में एक स्पेक्टिकल कोबरा सांप गिरा हुआ था, जिसे रेस्क्यू करने के लिए सर्परक्षक यादव ने सीढ़ी को रस्सी से बांधकर उसके सारे कुएं में उतरकर, कुएं में पानी 1 फीट ही था लेकिन अंदर कांटे अधिक थे, ऐसे में थोड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए कुएं से एक 5.5 फीट के स्पेक्टिकल कोबरा विषैले सांप को रेस्क्यू कर लिया। सर्परक्षक विजय यादव ने बताया कि सांप चाहे विषैला हो या विषहीन, इन्हें मारने की बजाय इनका संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में सांपों की अहम भूमिका होती है। इसी के साथ सांप के विष से ही विष प्रतिरोधक दवा एंटी वेनम सीरम बनता है, जो सर्पदंश होने पर रोगी के जीवन को बचाने में सहायक होता है। ऐसे में किसी भी प्रजाति के सांपों को ना मारें। सर्परक्षक विजय ने सांप को सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये नानकिया तालाब के पास में, ये हाथीगढ़ा गांव के अंदर शंकर सिंह रावत जी के कुएं के अंदर एक सांप गिर गया था, और इनकी सूचना मुझे आज इन्होंने दी थी। तो मैंने यहाँ आकर के देखा तो एक 60-70 फीट करीब गहरा कुआ है, जिसके अंदर एक कोबरा सांप मुझे दिखाई दिया, जिसको मैंने नीचे जा कर के कुएं में सीढ़ी लगाई और रस्सी के द्वारा हम नीचे गए, और नीचे जाने के बाद मैंने उस कोबरा सांप को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। ये ऊपर से जब नीचे गिरा कोबरा सांप, तो काफ़ी थोड़ा बहुत इसके चोट लग गई थी। अब इसे हम बाहर निकाल कर लेकर के आ गए हैं। अब इसे प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद इसको सुरक्षित रूप से सुरक्षित आवास में छोड़ेंगे, ताकि ये अपनी जीवन आगे का सुरक्षित रूप से जी सके। मैं शंकर सिंह रावत जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने सांप को बचाने के बारे में सोचा, मारने के बारे में नहीं सोचा। हमें सभी सांपों को मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए। वैसे तो ये हमारे पर्यावरण के भी मित्र होते हैं, और ये खास करके किसानों के मित्र होते हैं सांप। ये इनको खतरनाक सांप मान लेते हैं, जहरीला जरूर है ये सांप, लेकिन बिना वजह किसी को नहीं काटता है। ऐसे में किसी भी सांप को नहीं मारना चाहिए, हमें सभी सांपों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये सांप सुरक्षित रहेंगे तो पर्यावरण भी संतुलित बना रहेगा, और एंटी वेनम जो कि ASVS होता है, वो जहरीले सांपों से बनता है, और वो जब सांप काटता है तो ऐसे समय में वो हमारा प्राण बचाने में सहायक होता है। तो हमें सांपों को नहीं मारना है, और सांपों को बचाने के बारे में हमें सोचना चाहिए। मैं इतना ही कह करके धन्यवाद देता हूँ रंगल जी का। मैं खेत पे रहता हूँ, और खेत पे मेरे मतलब कुएं के अंदर कोबरा सांप गिर गया था, मतलब आज सुबह गिरा था। तो वो गिरने के बाद परेशान हो रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन किया, विजय जी यादव को फ़ोन किया। वो 60-70 फीट कुआ गहरा है, उसमें उतर के विजय यादव जी ने सुरक्षित सांप को रेस्क्यू किया है, और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विजय यादव जी को। उन्होंने बिल्कुल सुरक्षित कोबरा सांप को रेस्क्यू किया है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद।